Welcome to Tutelage Academy, where knowledge meets expertise. Introducing the best online course for NCL Assistant Foreman, Mechanical Engineering. Enroll today at Tutelage Academy and unlock a brighter future. Hello friends, welcome to Tutelage Academy. NCL Assistant Foreman का जो recruitment आया है उसके बारे में आज पूरा discuss करेंगे. तो इसमें पूरा ये बताएंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का कितना रहेगा और सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने मार्क्स आपको टारगेट करना है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या था वो भी आपको बताने वाला हूँ. तो इस एक वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरी था, वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ. इसके बाद आपको सिर्फ प्रिपरेशन करते रहना है. तो चलिए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें. ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्कोर था वो पब्लिश था एनसीएल के वेबसाइट पे, उसी टाइम 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए बता रहा हूँ. तो जनरल का कट ऑफ जो था 80 था, ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ जो था 79, ईडब्ल्यूएस 78, एससी एसटी 63, पीएच कैंडिडेट जो है जनरल में 62 कट ऑफ था और पीएच ओबीसी 60, जनरल एक्स सर्विसमैन 50 कट ऑफ और ओबीसी एक्स सर्विसमैन 50 कट ऑफ. ये पूरा कट ऑफ जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था. ये फाइनल कट ऑफ आगे मैं आपको बताता हूँ. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये कट ऑफ था और पूरा लिस्ट दिया हुआ था और पुराने वीडियो भी है, वो भी आपको जो लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा. ओके, अब देखिए आगे देखते हैं. अब हाईएस्ट स्कोर इसमें इसी में बताता हूँ. 2020 में हाईएस्ट स्कोर जो था 93, मतलब तीन चार स्टूडेंट जो थे हाईएस्ट स्कोर 93 लाए थे आउट ऑफ 100, ठीक है, समझ रहे हैं. तो क्वेश्चन का लेवल उस समय बहुत ही सिंपल था. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का देखते हैं. इस बार जो है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सीबीटी. लास्ट ईयर जो था आपको ये ऑफलाइन एग्जाम था, ओएमआर सीट पे एग्जाम था. ओके, तो और उस समय कट ऑफ ज़्यादा था. इस बार थोड़ा कट ऑफ मुझे लग रहा कि पहले से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एक तो सीबीटी एग्जाम हो रहा है और दूसरा नंबर चीज़ जो टीसीएस शायद एग्जाम कंडक्ट करेगी तो, या फिर आईबीपीएस, तो उसका कैसा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई जा सकता है और जाएगा, ठीक है. तो देखिए जनरल का 78 कट ऑफ रहेगा इस बार, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ. ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 72, एससी 65, एसटी 62, पीएच जनरल का 60 रहेगा, पीएच ओबीसी 58, जनरल एक्स सर्विसमैन 50 और ओबीसी एक्स सर्विसमैन 50. ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना उसी हिसाब से बता रहा हूँ. ये सारा चीज़ें जो कट ऑफ है प्रीवियस रिकॉर्ड में इस टाइप से ही आपको कट ऑफ दिया हुआ था. ओके, वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको. ओके, और इसमें फाइनल सिलेक्शन की बात करें, फाइनल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है. फाइनल सिलेक्शन जो है प्लस 6 to 8 मार्क्स आप पकड़ लीजिए. अगर इस कट ऑफ से 6 मार्क्स से ज़्यादा है आपको तो समझिए कि आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है होने वाली है, ठीक है. तो यहाँ पे जनरल का फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बता दूं कि 85 प्लस, ओके, यहाँ पे ओबीसी 82 प्लस, ईडब्ल्यूएस 80 प्लस, एससी 70 प्लस, एसटी 67 प्लस, पीएच 65 प्लस, पीएच ओबीसी जो है 63 प्लस और जनरल एक सर्विसमैन 55 प्लस और ओबीसी एक सर्विसमैन 54 प्लस. ये आपको आपको टारगेट रखना है कि इतने मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा. तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग अपना समझ सकते हैं कि कितने आपको स्कोर करना होगा. ओके, आगे देखते हैं. सेफ स्कोर की बात करें तो वही मैं बताया कि 85 प्लस, मतलब आपको टारगेट करना है कि आपको 85 प्लस मार्क्स जो है आपको आना चाहिए. ओके, तो फाइनल सिलेक्शन होगा. जनरल के लिए बता रहा हूँ, ये जनरल के लिए 85 प्लस है, बाकी जो है आपको बता ही दिया हूँ उधर साइड, ठीक है. लास्ट ईयर जनरल का 2020 में, लास्ट ईयर कब 2020 में जनरल का कटअप जो गया था फाइनल कटअप 86 गया था, ठीक है.
बाकी जो है फाइनल कट ऑफ जो है इसका लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ था एनसीएल के वेबसाइट पे, कुछ स्टूडेंट द्वारा पता चला कि 86 गया था फाइनल कट ऑफ जिनका ज्वाइनिंग हुआ। ओके, आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। ये बहुत आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा। तो देखिए अभी जो एनसीएल का एग्जाम हुआ है HEMM का, हेम का और माइनिंग सिरदार का, तो उसका रिकॉर्ड देखें तो नोटिफिकेशन जब आया था उसके 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो इसका भी नोटिफिकेशन जो है 12th को आया था, 11th या 12th जनवरी को, और 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया था आपका फॉर्म फिलअप। तो 15 जनवरी से 15 मार्च पकड़ लीजिए, लेकिन उस दर 15 मार्च तक नहीं जाएगा, हो सकता है कि उसके थोड़ा पहले आ जाए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और इस डेट को टारगेट रख कर प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ टूटलेज एकेडमी ऐप पे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो कोर्स जो है वो ज़रूर ज्वाइन करिए, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट पहले से क्लियर है तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। तो अभी मॉक टेस्ट पब्लिश नहीं हुआ है, कुछ ही दिन में पब्लिश हो जाएगा हमारे टूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो टूटलेज एकेडमी का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे कोर्स या मॉक टेस्ट ज्वाइन करके अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट वीक में होगा, इसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन करा देने वाला हूँ। उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम जो है अगर इस डेट पर नहीं होता है तो एग्ज़ाम डेट जो जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट सेकेंड जो है, सेकेंड एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है, इसके बाद इलेक्शन आ जाएगा, तो इलेक्शन की वजह से मई तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके बाद बहुत जल्दी एग्ज़ाम हुआ तो जून में होगा। ठीक है, जून में चला जाएगा एग्ज़ाम, या इससे भी थोड़ा आगे जा सकता है। तो अगर इस डेट को टारगेट आप पूरा करते तो एक तो प्रिपरेशन करना है, मैं करा रहा हूँ और इसी पे कंप्लीट कराऊंगा। अगर नहीं होता है, अगर हमें टाइम मिल जाता है, अगर मार्च में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो और बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर चीज़ प्रैक्टिस आपको करा देंगे। यहाँ अगर आपको टाइम मिल जाता है इतना, तो बहुत अच्छे से और प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन जो भी टाइम मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि फर्स्ट वीक हो रहा है तो सबके लिए है, कम टाइम मिल रहा है तो सबके लिए है, तो डरना नहीं है और प्रिपरेशन में लगे रहना है। ठीक है, लास्ट 15-20 दिन जो टाइम रहता है ना, एक महीना टाइम रहता है ना, उसमें अगर आप पूरा अच्छे से लगे रहे ना तो वो इतनी प्रिपरेशन हो जाती है जितनी 6 महीना में नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, वो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और उसी तरीके से अभी भी मैं बताने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो थ्योरी विथ बेसिक कंसेप्ट, आपको बेसिक कंसेप्ट से पूरे थ्योरी को कंप्लीट करना जरूरी है, और इसी तरीके से अपने कोर्स में मैं डिजाइन किया हूँ, इसी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, अगर लगता है तो ज्वाइन कर लिए, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, प्राइस है बहुत नॉमिनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपका जरूरी है, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। MCQ सिर्फ रट्टा मारकर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज होगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है, और जो कोर्स ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखिए, जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपके रिकॉर्डेड क्लास में, कोर्स के कंटेंट में रिकॉर्डेड पूरा क्लास अपलोड है, उसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद वीडियो देख लिए तो उसके PDF नोट्स जो है उसको भी आपको पढ़ना है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ MCQ, इसके बाद आप थ्योरी एक टॉपिक उठाए, उसको थ्योरी पढ़े, उसके बाद आप MCQ उसका वीडियो देखिए, PDF नोट्स देखिए। ओके, एक यूनिट जैसे हो गया आपको कंसेप्ट प्लस MCQ, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। रेगुलर मॉक टेस्ट जो है आपको एकदम देना जरूरी है, अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि आप खतरे में हैं, एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। निकाल सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। ये नहीं सोचना है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ जैसे तैसे उसके बाद मॉक टेस्ट देता हूँ, नहीं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइए, एक एक मॉक टेस्ट देते जाइए, और उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और रेगुलर मॉक टेस्ट मैं ले रहा हूँ जो कोर्स ज्वाइन किए उसमें। ठीक है, अलग से अभी मॉक टेस्ट पब्लिश नहीं है, वो हो जाएगा,
दूसरे स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन आपको रेगुलर मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ, रेगुलर आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट जो हैं 20% 10% स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलर देना है, ठीक है, नहीं तो उस स्टूडेंट से आप पीछे रह जाएंगे, आपका कंपटीशन जो है ना यहीं पे है। ओके, तो रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट दिए तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है, एक एक सॉल्यूशन देना है, कहाँ पे आपके क्या रॉन्ग हुआ है, क्या गलती क्या है, कौन से टॉपिक वीक है। फिर एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस किए तो मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 20 मार्क्स आए, 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 30 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया आपने, देख लिया तो सॉल्यूशन देख लिया, आंसर की देख लिया, वो 30 क्वेश्चन भी आपको याद हो गए। अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको फाइनल एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा और सब सॉल्व कर लेंगे। और उसका एनालिसिस करके आप उस जो टॉपिक से मार्क्स कम आए ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाइए और उसका कंसेप्ट जो है ना फिर से पीडीएफ नोट से रिवाइज कीजिए कि क्यों गलत हुआ था, आपको समझने में क्या गड़बड़ी हुई थी वो देखिए। उसके बाद फिर से प्रिपरेशन में फिर से लग जाए, दूसरे यूनिट दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए। आप एक सीक्वेंस में पढ़ना है, कोई घाई नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना कि ये भी कर लो ये भी कर लो, सब चीज़ करना है, इतने दिन में करना है, इतना जल्दी एग्जाम है, नहीं घाई नहीं करना है। इतना बात याद रखिएगा, 50% सिलेबस से भी 80% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं किसी भी एग्जाम में, लेकिन वो नहीं पता कि कौन से 50% सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे ना अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए ना तो आप सॉल्व कर सकें। सभी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और कोशिश करना है कि आप टाइम दें अच्छे से, आप जॉब कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको लगे तो छुट्टी ले लीजिए, या एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद आप छुट्टी लीजिएगा, और अच्छे से पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि एनालिसिस करते हैं तो वीक सेक्शन पे आपको फोकस करना है कि कौन सा सेक्शन वीक है, तो उसके थ्योरी कंसेप्ट में जाना है और उसको पढ़ना है थोड़ा सा, और फिर अपने इस पे आ जाना सीक्वेंस में। जब वीक सेक्शन पे एनालिसिस कर रहे हैं ना तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूँ कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है, हर किसी को होता है। फार्मूला याद करना इतना आसान नहीं है कि इतना फार्मूला याद करते जाएं, ठीक। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहेंगे, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। फार्मूला याद रहेगा तो थ्योरी का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो वो फार्मूले के ना शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी फार्मूला कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आपको बार बार भूल जाते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स पे लिखिए, हर जगह अपने स्टडी टेबल के सामने आसपास जहाँ भी आप देख सकें वहाँ वहाँ आप चिपका दीजिए, पूरे अपने रूम में जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, और उसको डेली देखते रहिए शॉर्ट नोट्स को। एक छोटी सी डायरी भी रख सकते हैं, उसमें भी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि लास्ट एग्जाम का लास्ट एग्जाम आप पलटे तो एक घंटे में पूरा रिवाइज कर लें। इस तरीके से भी एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। एक तो पूरा कंप्लीट नोट्स रहेगा ही आपके पास, वो तो पीडीएफ नोट्स दे ही रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हैं, हो सकता है आपके पास नोट्स भी होगा आपका खुद का, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स जो होना चाहिए कि एक डायरी में 100 पेज या 50 पेज में पूरे सब्जेक्ट आपके हो जाना चाहिए, वो हो गया। और एक जो है शॉर्ट नोट्स जो है स्टिकी नोट्स जो होता है, स्टिकी नोट आता है येल्लो कलर रेड कलर का मार्केट में, इतना स्क्वायर का ऐसे, उसमें आप कुछ कुछ फार्मूला जो है लिख लिख कर ऐसे चिपका दीजिए, उसको देखते रहिए। इस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा और फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, रोज देखते रहेंगे याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको देखिए नॉन टेक्निकल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ टेक्निकल से नहीं होगा। और हमारे पास नॉन टेक्निकल का जो है जीके जीएस जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो आपको सिलेबस देखना है, ठीक है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है जीके जीएस के लिए। रेगुलर आधा घंटा एक घंटा देना है आपको और जीके जीएस पढ़ते रहना है, ठीक है। ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है, जितना पढ़े उतना कम है। बट उसके बाद आता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कोर्स में अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एप्टीट्यूड का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, 6-7 यूनिट है, उसको भी आप क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कुछ क्लास जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड का तो सीए कोर्स पे नहीं है, बट ये आपको ये भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग का भी आपके सिलेबस में जो है कोर्स में जो है अपलोड कराया है रिकॉर्डेड क्लास, उसको भी देखिए। रीजनिंग तो खैर आसान है, 3-4 ही क्वेश्चन आया था, बट इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो रीजनिंग को जो है आप कुछ रीजनिंग को 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे सेट, जैसे मान लीजिए SSC JEE का ही सेट ले दीजिए, 50-50 क्वेश्चन आता है, उसको 4-5 सेट अगर आप सॉल्व कर लिए ना तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छा हो जाएगी, रीजनिंग का ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो इस तरीका से जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको पहले थ्योरी क्लास देखना है, रिकॉर्डेड है, पहले से अपलोड है, उसके बाद MCQ देखना है, वो भी रिकॉर्डेड, पहले से अपलोड है, उसके बाद एक्स्ट्रा MCQ मॉडल क्वेश्चन पेपर लाइव क्लास में चल रहा है, लाइव क्लास वो देखना है, आपका छूट गया है प्रीवियस लाइव क्लास वो भी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं, और रेगुलर लाइव क्लास जो चल रहा है उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मशीन डिजाइन चल रहा है तो मशीन डिजाइन के थ्योरी आपको कंप्लीट करके आना है, फिर लाइव क्लास में आपको शाम को देखना है, तो उससे क्या होगा आपके कंसेप्ट और क्लियर होगा, और क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे लाइव क्लास में तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट होते जाएगा और आपको लगेगा कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। एक बार कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और प्रिपरेशन का लेवल कोई भी हो, लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन का लेवल आपका कोई भी हो, 20% हो या 100% हो, हिम्मत नहीं हारना है, लास्ट तक डटे रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहना है और एग्ज़ाम में जाना है। ये नहीं सोचना है कि इस बार नहीं होगा, लास्ट टाइम में ऐसा फील होने लगता कि अरे यार अभी नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा इस बार, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो जाएंगे आपको 1.5 घंटा का जो टाइम मिला है ना, 1.5 घंटा आपका कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम तक आपको एग्ज़ाम देने तक, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है कि आपका एग्ज़ाम निकल रहा है, आपके 20% भी प्रिपरेशन है तो भी आपको कॉन्फिडेंस में रहना है कि मैं तो एग्ज़ाम क्रैक कर रहा हूँ, एग्ज़ाम मेरा निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है, रिवाइज करते रहना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, स्टिकी नोट्स बनाना है। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप वहाँ पे चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और भी कुछ ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए ये नंबर है 9560929108, इस नंबर पर आप पहले व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप कॉल कीजिएगा, कॉल बहुत टाइम रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्लास की तैयारी हो रही होती है या क्लास ले रहे होते हैं या फिर कंटेंट बना रहे थे, कुछ ना कुछ काम रहता है तो नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा क्वेरी हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और कोर्स को आपको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो कोर्स आप ज्वाइन जरूर कीजिए, पैसे का नहीं सोचना है, पैसे बहुत कम लग रहा है आपका, उससे ज़्यादा ना आप रिचार्ज मोबाइल का कर देते हैं, ठीक है, 6 महीना 1 साल में उससे ज़्यादा रिचार्ज करते हैं, उससे भी कम है, आप कोर्स ज्वाइन करके और प्रिपरेशन जरूर कीजिए। आपको लगता है 10 मार्क्स भी आपका इंक्रीज हो जाए ना, अगर आपको लग रहा है कि अभी 70 मार्क्स ले लेंगे या 80 मार्क्स, आपको लग रहा है कि 10 मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए ना, कोई बुक अगर लेनी हो ना आपको लगता है कि ये बुक ले लीजिए, ले लो, ये क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कर लीजिए, ठीक है। आपको कहीं मान लीजिए कि GK GS लग रहा है कि टाइम मिल गया ज़्यादा, और लग रहा है GK GS का ना कोई सर है अच्छा पढ़ाते हैं, उनका क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, कर लीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि एक NCL ही नहीं है और भी ज़्यादा एग्जाम है आगे, तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए कभी भी पैसे का ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो साल साल बदलते रहेगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे तो इससे बहुत दुख होगा। ओके, तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है और प्रिपरेशन करना है और लास्ट टाइम तक आपको संघर्ष करते रहना है और एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वेलकम टू Tutelage Academy, where knowledge meets expertise. Introducing the best online course for NCL Assistant Foreman, Mechanical Engineering. Enroll today at Tutelage Academy and unlock a brighter future.